और अब बात करते हैं शिवपुरी के, जहां शनिवार रात भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। जिले में नदी नाले उफना गए हैं। बारिश का पानी गलियों, सड़कों और मकानों में भर गया है। निचली बस्तियों का हाल और भी बुरा है। यहां 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। नवाब साहब रोड इलाके में उफनाए नाले में कार बह गई है, बाइकें भी पानी में बहती दिखी। शहर के पुराना बस स्टैंड के पास कॉलोनी में 8 फीट लंबा मगरमच्छ घुसाया है। वन विभाग का कहना है कि शिवपुरी शहर में 3 अलग अलग जगह मगरमच्छ नाले से निकलकर कॉलोनियों में घुसे हैं। एक जगह पर नेशनल पार्क की टीम ने एक मगरमच्छ का रेस्क्यू कर लिया है। शिवपुरी शहर में भारी बारिश के चलते शहर के सर्किट हाउस रोड, रामबाग कॉलोनी, गायत्री कॉलोनी, शंकर कॉलोनी, नाई की बगिया, नवाब साहब रोड, पुराना बस स्टैंड, विष्णु मंदिर के सामने, होटल आइस पैलेस के पास, शंकर कॉलोनी, ठंडी सड़क आदि क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है। शहर के जिन क्षेत्रों में होकर नाले रिपीट शहर के जिन क्षेत्रों से होकर नाले गुजरे हैं, उन सभी स्थानों पर घरों में पानी भरा है। लोगों का कहना है कि समय पर नालों की सफाई और कॉलोनियों में पानी की निकासी की व्यवस्था की जाती तो आज उन्हें इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। देर रात हुई बारिश ने शहर ही नहीं, शहर से सटे ग्रामीण अंचल में भी रौद रूप दिखाया है। बारिश से सिंह निवास गांव के पास आगरा मुंबई 4 लेन हाईवे भी उखड़ गया है। एहतियात के तौर पर मौके पर यातायात पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। आधा किलोमीटर सड़क बंद करवा कर ट्रैफिक को हाईवे की दूसरी पट्टी से निकाला जा रहा है। यातायात प्रभारी रणवीर यादव का कहना है कि हाईवे नीचा होने की वजह से तालाब और खेतों का पानी आ जाता है।